तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम बार बार चोट खाते हैं। चोट खाना कई बार पैर की चोट होती है, कई बार ओवरऑल बॉडी पे कहीं भी चोट आ सकती है। और ये चोट हो सकता है कि आपको वाहन चलाते हुए लगती हो, आपको गाड़ी चलाते हो, तब आपके बार बार एक्सीडेंट होते हों। इसके पीछे कारण क्या होता है? बार बार चोट लगना। देखिए, कोई भी घटना जो अचानक से होती है वो एक्सीडेंट कहलाती है, और एक्सीडेंट का कारक है राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं पर खराबियां पैदा कर रहा है, या वर्षफल में खराबियां पैदा कर रहा है, या फिर आपको राहु संबंधी दिक्कतें जीवन में मिल रही हैं, तब ऐसे केस में आपको राहु को पॉजिटिव करना होता है। राहु आपके जीवन में हर तरह से आपके सेहत पर मुसीबतें डाल रहा होता है, और इसके साथ साथ ये मुसीबतें लेकर आती हैं सिर्फ़ और सिर्फ धन का नुकसान। गाड़ी ठुक गई तो रिपेयर कराने में इतना खर्चा, चलिए गाड़ी का तो कुछ नहीं, पर शरीर को कोई नुकसान हो गया उसका तो कोई भरपाई नहीं है, क्योंकि आपने सभी काम शरीर से लेने हैं। अगर शरीर ही सही नहीं रहेगा तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। शरीर को सही रखने के लिए, एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए, बीमारियों से बचाव करने के लिए राहु को पॉजिटिव करना होता है। मैं आपको दो उपाय बताता हूँ जो कि राहु को पॉजिटिव करेंगे, आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे। पहला उपाय है राहु को पॉजिटिव करने के लिए दो ग्रहों का मेल करना, क्योंकि लाल किताब के उसूलों के अनुसार जब भी दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे ग्रह का या तीसरी ग्रह की एनर्जी का निर्माण होता है, जो कि हमें शनि और मंगल को मिला के करना है, जिसे कहते हैं मस्नूही ग्रह। दो ग्रह आपस में मिलेंगे, शनि और मंगल को आपस में मिलाया तो एक पॉजिटिव राहु, जिसे कहा जाता है राहु उच्च, का निर्माण होगा। आपको लेना है एक रुमाल बराबर लाल कपड़ा। लाल कपड़े में आपने चार बादाम लेने हैं, बादाम होंगे छिलके वाले, और साबुत बादाम लेंगे, कहीं से टूटे फटे ना हों। चार बादाम लेंगे, चार छुआरे लेंगे जो कि मेवे में चलते हैं, ड्राई डेट्स जिन्हें कहा जाता है, वो आप लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को आपने रुमाल बराबर जो लाल कपड़ा था उसके अंदर बांध लिया, ऐसी पोटली बना लीजिए, और ऐसी एक पोटली बनाकर आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखिए, या फिर आपका स्कूटर है तो स्कूटर की डिक्की में रखिए। आपकी गाड़ी में इस तरह से ये सामग्री का रहना राहु पॉजिटिव को बनाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको चींटियों को, जो चींटी होती हैं बड़ी वाली, ध्यान रखिएगा, जो बड़ी वाली चींटी होगी, अगर आप उसको शहद देते हैं, हनी, अगर आप हनी देते हैं तब भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जब भी हनी दिया जाएगा तो वो भी हनी जो है, शहद जो है, वो भी मंगल की कारक वस्तु है। और जो बड़ी वाली चींटियाँ, मकोड़े, या फिर जिन्हें हम मुंगला भी बोलते हैं, मंगला भी बोलते हैं, जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला जाता है, बड़े बड़े चींटे होते हैं जो कि बरगद के पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, धर्म स्थान में पाए जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है, और ये खासकर ऐसी जगहों पर ही पाए जाते हैं, और इनका विशेष तरीके से उपाय में महत्व है। अगर हम इनको शहद देते हैं जाके, या बताशे देते हैं जाके, तो हमारा राहु पॉजिटिव होता है, और ये राहु पॉजिटिव करने का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। और इस उपाय को करके आप अपने एक्सीडेंट्स जैसी समस्याओं से बच जाओगे, बहुत सी परेशानियों से आप बचे रहोगे, आपको चोटें नहीं लगेंगी, क्योंकि राहु खराब होता है। अगर केतु भी साथ में खराब हो, लोगों के पैर टूटते हैं, हड्डियाँ टूटती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आती हैं, और कई बार तो आपकी गाड़ी से किसी और को भी नुकसान हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी और नुकसान की भरपाई तो इंसान करता ही करता है, अपना भी इलाज कराता फिरता है। तो ये कंडीशंस ना आपके साथ क्रिएट हो, आप किसी लीगल मैटर में ना फंसो, आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो, ओवरऑल आप बचे रहो, तो इन उपायों को करते रहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।